Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पति के मरते ही कई लोग आ गए हैं एक खामोश विधवा के पास. देखते हैं कौन हमदर्दी दिखाता है और कौन मारता है चांस. प्लीज वेलकम कपिल एज इंश्योरेंस एजेंट, सरगुन एज विधवा एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स. हेलो, क्या हेलो, दो मिनट. हेलो, हाँ मैं कौन बोल रहा हूँ? अरे आपकी स्क्रीन पे मेरा नाम आ रहा होगा ना, बताओ, मैं भूल जाता हूँ. दुबे, हाँ मैं दुबे बोल जी. और मैं आपको बताना भूल गया, वो आपकी वो जानी थी इंश्योरेंस की ईएमआई, और मैं भूल जाता हूँ मैडम, क्या करूँ. हाँ नो प्रॉब्लम, मैं बड़ी पॉलिसियाँ करता हूँ लोगों की. ओ माई गॉड, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, कौन लाश कौन है ये कि ये? तो स्मेल इनमें से आ रही है. भाई साहब बहुत देर से देख रहे हैं, जब से आप आए हो बकर बकर किए जा रहे हो. देखो अपनी बकवास बंद करो, दिमाग मत खराब करो साहब, ठीक है? हुआ क्या है? अरे दिखता नहीं साहब, इनकी डेथ हो गई है. क्या? ओ माय गॉड, मुझे तो महालक्ष्मी जाना था. सुनिए वैसे इनको हुआ क्या? कुछ नहीं, ऐसी घर से निकले. एक मिनट, आपके पास ब्रेक पिन वाला चार्जर है? अरे जहाँ किसी की डेथ हो गई आपको बारीक पिन वाले चार्जर की पड़ी है. भैया डेथ होगी तो क्या मतलब, मैं फोन ना चार्ज करूं? जिन लोगों ने मुझे फोन करना उनको थोड़ी ना पता बंदा मर गया. हद करते हो आप लोग, वर्मा जी गिर रहे हैं. अरे जय ही तो हैं वर्मा जी, ये तो पड़े हैं. क्या बात कर रहे हैं, ये क्या हुआ इनको? डेथ हो गई इनकी. पहले नहीं बोलते थे, क्या हुआ इनको? डेथ हो गई इनकी. कैसे डेथ हो सकती है? ये तो मैंने अभी इनको फोन लगाया हुआ है, रिंग तो जा रही है. कैसे मर सकते हैं, रिंग जा रही है, ऐसे कैसे? है तो ठीक है, ये मरे, इनका फोन नहीं मरा है. मैं मानता हूँ डेथ हुई है, लेकिन बंदा रिप्लाई तो कर सकता ही नहीं. एक मैसेज करने में क्या जाता है कि आई एम डूइंग डेथ, कॉल यू लेटर, दैट्स ऑल. व्हाट इज दिस? ये क्यों रो रही है? जे इन्हीं के पति तो थे वर्मा जी, इसलिए मर गए. तो ये एंजॉय क्यों हो रहा है, ये क्या? अरे जे एंजॉय नहीं कर रही, जे अपना दुख व्यक्त कर रही है. तुम्हारी बार बार क्यों गले लग रही है? क्योंकि मैं वर्मा जी का बचपन का दोस्त हूँ. यार मैं जवानी का दोस्त हूँ, मेरे को जवानी वाली हक दे दो थोड़ी. क्या हो रहा है ये, क्या क्या हो गया, हुआ क्या? आपको शर्म नहीं आती? क्या हुआ? एक अबला मजबूर नारी के मजे ले रहे हो? तो अबला नारी के साथ ही फ्लर्ट कर रहा, सबला नारी से करके मार खा नहीं मैंने. अब मान लो मैं इसको जफी नहीं डालूं, अर्चना को डाल दूं, उनको तो मजा आ जाएगा कि नहीं? हद करते आप लोग. सुनो ये देखेंगे कितना वर्क करता है तेरा एक्ट. अगर सच में ना तेरे को मार के गया मैं, ये बोल क्यों नहीं रही? ये वर्मा जी मर गए ना, तुझे सदमे में गूंगी हो गई है. अगर ये कहीं इनके जीते जी गूंगी हो जाती ना, तो ये बंदा आज मरता नहीं. आज ये जिंदा होता और हमारे बीच बैठा होता, इधर ही बैठा होता आज हमारे साथ. ये मेरा भाई. इधर काहे को? अबे जब घर में लाश पड़ी हो तो बंदा बाथरूम में बैठेगा, तेरा दिमाग नहीं काम करता. एक मिनट, दूर से मेरे को पता नहीं चला लाश, मेरे को लगा काला नमक ला के रखा इतना सारा. फोन चार्ज करता हूँ इसके मैं. भाई साहब देखिए आपका हो गया बेइज्जती करके. हाँ अभी आप निकल लो साहब, हम लोग खुद अकेले अफसोस कर लेंगे. क्या मतलब तेरा, ऐसे कैसे? बंदा घर में है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पूछ रहे. जहाँ किसी की डेथ हो गई आपको कोल्ड ड्रिंक की पड़ी है? तो लाश भी तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक जैसी है. ए, मेरे कोल्ड ड्रिंक पीने के का मतलब, ये लाश क्या मेरी कोल्ड ड्रिंक छीन लेगी? बताओ मेरे को, पिलाओ कोल्ड ड्रिंक. देखो बकवास बंद करो, नहीं तो तुमको धक्के देके बाहर निकाल देंगे हम. पहले एपिसोड में भी ऐसा ही तुमने कुछ किया था, मैं तेरे थप्पड़ मार रहा है कर रहे खींच के. अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो. देखो भाई साहब, देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ तफ्तीश करने आया हूँ कि ये अरे भाई साहब ओए देखो देखो आप निकल लो यहाँ से. अरे तुम जाओ इधर से.
देखो आप जाओ, हमको नहीं चाहिए आपका इंश्योरेंस इंश्योरेंस। देखो मैं तफ्तीश करने आया हूँ, वर्मा जी के नाम पे 2 करोड़ की पॉलिसी थी, मुझे पता करना है मैं किसको दूं। 2 करोड़? हाँ। अरे भाई साहब आप तो बैठी है ना, अच्छे से बैठी है, क्या कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे? ये जेलो जेलो कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये तो गर्म है। अरे जी का ये लाश का बर्फ डाल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ठंडी होनी जरूरी है लाश? अरे ये थोड़ी कम भी ठंडी रह जाएगी तो इसका कौन सा टेस्ट खराब हो रहा है? देखिए बहन जी रोइए मत, क्या हुआ, डेथें तो होती रहती हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो आदमी मर जाता है ना, जब मैंने सुना है वो आदमी एकदम से जान नहीं निकलती उसकी, उसका 8 घंटे तक दिमाग जिंदा रहता है, 2 घंटे तक दिल, और अगर उसको कोई शॉकिंग न्यूज सुनाई जाए तो वो जिंदा भी हो सकता है। आप बताओ तो मैं जिंदा करूँ, बोलो। अरे अरे भाई साहब ये ऐसा मत करो यार, बड़ी मुश्किल से मरा, अभी 2 घंटे होगा इसको मर के। हाँ अब तक तो इसके ऑफिस के रजिस्टर में भी एब्सेंस लग गई होगी। वैसे भाई साहब आप तो ये बताओ कि पैसा कैसे मिलेगा? पैसे देखिए जैसे इसका पोस्टमार्टम होता है ना, पढ़ो जरा। देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आएगी आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हमारी कंपनी ने एक ऑफर निकाला है, अगर आप हमारी कंपनी से पोस्टमार्टम कराते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, जैसे 500 रुपए एक लाश का, 2 लाशों का 700 रुपए लेते हैं। अरे लेकिन दूसरी लाश कहाँ से लाएंगे? अरे यार घर में इतने बूढ़े बुजुर्ग होते क्या आपको, जिसका लगता है कि और 1-1.5 महीना नमस्ते करने वाले पापा जी, ले आओ उनको। अगर आपसे नहीं होता ये काम तो एक काम करो, अगर आपको वेट करना है बुजुर्ग की मरने का तो या तो फिर इसको फ्रिज में रखो, उसका फायदा बढ़ा ना, आपके पैसे बच जाएंगे, आपकी डेड बॉडी को कंपनी में मिल जाएगी। पर एक बार जो फ्रिज में रखेंगे ना, सब्जियों से थोड़ा दूर रखना, कहीं सब्जियों की स्मेल ना आ जाए इसमें से, इनको देख के लग नहीं रहा है इन्होंने कभी ताजी सब्जियां खाई होंगी जिंदगी में। अरे भाई साहब वो सब छोड़ो, आप तफ्तीश करो ताकि हमको जल्दी पैसे मिल जाए। तफ्तीश देखिए लाश के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, आप मेरे को एक बात बताइए ये कहाँ तक पड़े हैं? ये तो अनपढ़ है गमार। क्या बात कर रहे हैं आप, अनपढ़ है तो उनके टेस्ट क्लियर ही नहीं हो सकते। ओ माय गॉड, अब क्या करें? देखिए एक काम करिए, आपका अंगूठा चाहिए भाभी जी, यहाँ पे आपके पास स्याही है, इधर आइए। ये हो गया आपका अंगूठा, लग गया। अब एक काम बताइए ये मरे कैसे थे? ये देखिए इसका अभी पता नहीं चल पा रहा है। हाँ क्योंकि डॉक्टर ने भी इनके पास आने से मना कर दिया। ओहो वैसे आपको एक बात बताएं जी, इन 2 सर्टिफिकेट मिले इनको, किस चीज के? एक इनका डेथ सर्टिफिकेट, अच्छा, और इनका एक बहादुरी का सर्टिफिकेट। ओहो ऐसे आदमी के साथ जिंदगी कैसे गुजार ली? ओह दैट्स वेरी, जो भी है सुनिए मैं खैर आपकी वसीयत पढ़ दूं जो आपके पति लिख के देके गए थे, ठीक है? मैं ऋतिक वर्मा, ऋतिक वर्मा ऋतिक वर्मा ये ने ऋतिक वर्मा सन ऑफ कूड़ा वर्मा, ये क्या लिखा है इसने? अपनी पूरी होशो हवास में ये वसीयत लिख रहा हूं कि मेरी जब शादी हुई, भाभी जी आपकी वैसे लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज? कपड़े भी यही सूखने डालने जाते थे। हाँ अच्छा, घर आते दरवाजा नहीं खटका, इधर मुक्के मारते थे आपको। सिंग इज किंग में काम किया है क्या है? क्या बोल रही है ये? अरे अरे भाई साहब इनको छोड़ो, इनसे ये भी नहीं हो रहा, मैं कर देता हूँ। हाँ, हाँ क्या हुआ क्या इनको? तू थोड़ी गूंगा है, तू ना बोल के बता क्या हुआ इनको? हाँ तो दिए लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज हुई थी। प्यार अंधा होता है? एक प्यार अंधा नहीं, ये प्यार बहुत ज्यादा गंदा है। ऐसे आदमी के साथ लव मैरिज करी? आप कहाँ रहते भाई साहब? मैं बगल में। बगल में स्मेल नहीं आती आपको? अरे इनके बगल में नहीं, इनके घर के बगल में। घर के बगल में? हाँ। ओके चलिए खैर मैं वसीयत पढ़ लूं। हाँ। देखिए इनकी वसीयत के अनुसार इनकी बीवी अगर इनकी जायदाद की मालकिन बनना चाहती है तो उनको साबित करने के लिए इनको किस करना पड़ेगा? और सिर्फ गाल पे ही नहीं, माथे पे भी। और भी कोई अगर इनकी वसीयत का हिस्सेदार बनना चाहे तो वो इनको किस कर सकता है? अच्छा मतलब हाँ। मैं भी कर सकता हूँ? तुम तो डिजर्व करते हो, करो। शाबाश बन गए हिस्सेदार, आ जाओ। अब असली वसीयत पढ़ते हैं। जोक सपाट।
लिखते हैं मैं मर गया सो मर गया, पिछले एक्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ऐसा इनका कहना है। अगर गुस्सा है तो इधर ही आके निकाल लो, आज आया हूँ कल का कोई पता नहीं। और कलाकारों को 10-10 नंबर देके प्रोत्साहित करें, वादा करता हूँ कि अगली बार अच्छा करेंगे। ये वाली लाइन मेरी थी, लास्ट वाली। शुक्रिया भाई साहब, चलो हो गया आपका। तो जजेस कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? सुहेल, इट वाज टोटल एन एक्सटेम्पो एक्ट। और आप कपिल, आप खुद समझदार हो, आप खुद जान गए थे क्या ये क्या हो रहा है। एक्चुअली एवरीबॉडी डिडंट हैव मच टू डू इन दिस एक्ट। और सैडली जो थे राइटर जो थे वो इस एक्ट में मर ही गए थे। एक्चुअली ये सिम्बॉलिक था कि ये एक्चुअली एक्ट में मर ही गए थे। और बट एक्चुअली राज साहब, आप बहुत ब्रेव हैं, शुरू में ही इस मंच पर आ गए, लेकिन आप बहुत क्लेवर भी हैं कि आप एकदम मूक होकर मृत यहाँ पर हमारे सामने थे। इनको टीवी पे आना कैसे भी आए। ये एक म्यूट पार्टनर राउंड था, मुश्किल है इसके लिए लिखना। तो ये बिल्कुल भी एक रिफ्लेक्शन नहीं है आप तीनों के टैलेंट पर, और ना ही राज आपके ऊपर। ये वक्त की कमी की वजह से जो हुआ है वो हो रहा है। और वक्त की कमी, आयोडीन की कमी। मेरी सुबह सुबह हंसी रुकती नहीं है। जाहिर आपको मजा आ रहा है, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। हम देख रहे थे कि आप हंसते 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 आपने बोलना बंद कर दिया था, आप सिर्फ हंस रहे थे और फिर उसे इंक्लूड कर रहे थे अपने एक्ट में। लेकिन एक एक्ट जिसमें स्क्रिप्ट नहीं हो, उसमें तीन कलाकार अपनी कोशिश करके उसे कितना बेहतरीन कर सकते हैं, वो हमने अभी आप एक नमूना देखा आपके एक्ट में। लेकिन जो ब्रिलियंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप चारों से, क्योंकि राइटर साहब अब मौजूद हैं यहाँ पर, वो नहीं मिली इसमें। लेकिन कपिल, यू ऑलवेज बाउंस बैक, एंड सरगुन एंड मुबीन, आप बहुत अच्छे कंपनी में हैं। राज साहब, आप अगली बार बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे मुझे, हमें आप आश्वासन दे दिए। इट वॉज स्टिल क्यूट एंड एंटरटेनिंग। शुक्रिया मैम। सुहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? क्योंकि कपिल ने बहुत एंजॉय किया इस एक्ट को। हमारी टीम्स में से कोई मेंबर चाहे म्यूट हो जाए, लेकिन आपकी हंसी कभी म्यूट नहीं होगी, बल्कि हर बार और बढ़ेगी। आपकी हंसी की वॉल्यूम को हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, हर शनिवार और रविवार आते रहेंगे, ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।